प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये चैप्टर 15 प्रायिकता का हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें और उदाहरण करवा दिए हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले 3 वीडियो जरूर देखें। तो अब देखिए कि जो पहले 3 वीडियो में जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं, उनका मैं एक बार ब्रीफ में रिवीजन करवा देता हूं आपको कि किसी भी घटना E की प्रायिकता जो है वो किसके बराबर होती है। प्रायिकता को PE से डिनोट करते हैं, घटना E की प्रायिकता को PE से डिनोट करते हैं। तो किसी भी घटना E की प्रायिकता का जो सूत्र है वो है E के अनुकूल परिणामों की संख्या डिवाइड बाई प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा था कि समप्रायिक परिणाम क्या होते हैं, कि जैसे हमने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर हेड और टेल आते हैं, कि अब हेड और टेल दोनों के ऊपर आने की जो संभावना है वो समान है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों के प्रकट होने की संभावना क्या है, समान है। तो एक प्रयोग के सभी परिणाम जिनके प्रकट होने की संभावना क्या हो, समान हो, कि जितनी संभावना एच की है उतनी टी की है। तो यदि संभावना समान हो तो वे क्या कहलाते हैं, वे परिणाम समप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। अब बात आती थी निश्चित घटना की। निश्चित घटना क्या होती है कि जैसे एक सिक्का उछाले तो हेड या टेल आना निश्चित घटना है, कि सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा या टेल आएगी। तो यदि मैं सिक्का उछालूं तो उस पर संख्या 3 आना एक असंभव घटना है, क्योंकि सिक्के के एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, संख्या 3 तो होती नहीं है। तो जो चीज, जो परिणाम संभव नहीं है या जो घटना संभव नहीं होती वो असंभव घटना कहलाती है। और जिस घटना का पक्का है कि ये घटना तो होगी होगी, हेड आना या टेल आना, हेड या टेल, ओके, तो ये क्या है, निश्चित घटना है। निश्चित घटना को एक और तरीके से समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक पासा फेंका, पासे पे 1 से 6 तक संख्याएं होती है, ये आपको पता ही है। तो मैं ये कहूं कि एक पासा फेंकने पर 6 या 6 से छोटी संख्या आना एक निश्चित घटना है। अब देखिए कि इसके अलावा हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना E की प्रायिकता जो है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है और 1 के बराबर ही 1 से छोटी होती है। तो यहां से आपको अच्छे से नोट करना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 0 से छोटी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अब मान लीजिए E को ये घटना है और E बार इसकी पूरक घटना है। पूरक घटना का मतलब कि जैसे E ना हो, नहीं होना। तो पूरक घटना को मैं एक उदाहरण से बता देता हूं कि जैसे आपने एक सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर कोई घटना हम E ले लेते हैं कि H प्रकट होना या H प्राप्त होना, और H प्राप्त नहीं होना यानी एच नहीं होना, ये क्या है, इसकी पूरक घटना है। पूरक घटना को हम ई बार से डिनोट करते हैं। तो किसी भी घटना ई की पूरक घटना की प्रायिकता अगर आपने निकालनी हो तो उस घटना की प्रायिकता को 1 में से माइनस कर दो, पूरक घटना की प्रायिकता आ जाएगी, ओके। अब लास्ट में आता है कि प्रारंभिक घटना क्या होती है, कि
वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो वह प्रारंभिक घटना कहलाती है। कि जैसे यदि हम एक पासा फेंकते हैं तो एक दो तीन चार पांच या छह ही आ सकती है। तो संख्या एक, एक के अनुकूल परिणाम कितने? एक। दो के अनुकूल परिणाम भी एक, तीन के अनुकूल परिणाम भी एक, चार का परिणाम भी एक है, पांच का परिणाम भी एक है, छह का परिणाम भी एक है। तो संख्या एक प्राप्त होना, संख्या दो प्राप्त होना, संख्या तीन प्राप्त होना, ये सारी क्या है? प्रारंभिक घटनाएं हैं। और सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो है वो क्या होता है? एक पर योग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, की प्रायिकताओं का योग एक होता है। ओके, यहाँ पर ये रह गया था, आप नोट कर लें इसको, कि एक प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो 15.1 प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये रिक्त स्थान भरने हैं, कथनों को पूरा करना है। उसके माध्यम से सिर्फ इन्हीं बेसिक नॉलेज जो हमने अभी तक प्राप्त किया है उन्हीं को चेक किया गया है। तो यहां देखिए कि किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर आपको ये पूछा गया है कि पी ई प्लस पी ई बार किसके बराबर होगा। तो ये पी ई साइड ले, पी ई बार प्लस पी ई किसके बराबर होगा? एक के बराबर। तो किसी घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ए नहीं की प्रायिकता किसके बराबर होगी? एक के बराबर। अब सेकंड पार्ट देखिए, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अब देखिए, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसका अनुकूल परिणाम क्या होगा? जीरो होगा। उदाहरण के लिए जैसे आप पासा फेंकते जिस पे 166 अंक है, अगर हमें ये कहें कि संख्या सात प्राप्त होना, ये तो घट ही नहीं सकते क्योंकि संख्या ही छह तक है उसपे। तो उसके अनुकूल परिणाम क्या होंगे? जीरो। अगर अनुकूल जीरो है, सभी संभव छह है, तो 0/6 जीरो ही होगा। तो कोई भी घटना जो घटित नहीं हो सकती उसके अनुकूल परिणाम जीरो होगा। नीचे में से कुछ भी हो तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ठीक। अब तीसरा जो है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है खालिस्तान है। देखिए कि जिस घटना का घटित होना निश्चित है तो जितने भी संभावित परिणाम है सभी के सभी उसके अनुकूल होंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि छह या छह से छोटी संख्या प्राप्त करना, एक पासा जब एक पासे को उछालते हैं तो छह या छह से छोटी संख्या प्राप्त करना, तो उसके अनुकूल भी छह होगी, कुल भी छह होगी, तो प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। तो वैसे भी आपको याद रखना कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? एक। ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग अभी हमने देखा था कितना होता है? एक होता है। किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खालिस्तान से छोटी या उसके बराबर होती है, जीरो से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा एक से छोटी या उसके बराबर होती है, ये वाला कंसेप्ट है। तो देखिए कि यहाँ पर जो हमने अभी तक एग्जाम्पल्स वगैरह में जो पढ़े हैं पॉइंट्स, उन्हीं को यहाँ पर रिवाइज किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से करना आपने। आगे प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के
परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो संप्रायिक परिणाम, जैसे हमने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, कि यदि एक प्रयोग के सभी परिणामों के प्रकट होने की समान संभावना हो तो ये परिणाम क्या कहलाते हैं? संप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। यहाँ पहला पार्ट है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। तो देखिए यहां पर दो परिणाम है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है और कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए कि दोनों परिणामों की जो संभावना है वो समान नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर मामलों में या ज्यादातर केसेस में कार चलना प्रारंभ हो ही जाती है। कई बार कार में कोई खराबी हो जाए तकनीकी, या उसमें पेट्रोल वगैरह ना हो, तभी ये चांस होता है कि उस कार चलना प्रारंभ नहीं होता। तो हम यहाँ पर ज्यादा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम सिंपल ये लिखेंगे कि यहाँ कार का चलना प्रारंभ होना व प्रारंभ न होना, दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान नहीं है, इसलिए परिणाम संप्रायिक नहीं है। इसी तरह से सेकंड पार्ट, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केटबॉल में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो बॉल का डलना और बॉल का नहीं डलना, ये दोनों भी, इनकी संभावना भी समान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बास्केटबॉल का जो है, एक तो होल छोटा होता है, बाकी एरिया बड़ा होता है। दूसरा, वो उस खिलाड़ी की स्थिति पे भी डिपेंड करती है कि वो किस पोजीशन में है। तो यहाँ पर ये दोनों परिणाम जो है, इनके प्रकट होने की संभावना समान नहीं है, तो ये दोनों परिणाम भी संप्रायिक नहीं है। तो यहां पर भी उसी तरह से लिखोगे कि यहां बाल डाल पाना तथा बाल न डाल पाना दोनों परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान नहीं है, इसलिए ये दोनों परिणाम संप्रायिक नहीं है। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। अब देखिए, अनुमान, एक तुक्का लगाया जाता है, एक अंदाजा लगाया जाता है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि ठीक है या गलत है। तब देखिए उत्तर का सही होना या गलत होना, कि जितने चांस सही होने के हैं उतनी संभावना गलत होने की है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि प्रश्न उत्तर सही होना या उत्तर गलत होना, दोनों ही परिणामों के प्रकट होने की संभावना समान है, इसलिए दोनों परिणाम संप्रायिक हैं, कि उत्तर सही होना वह उत्तर गलत होना दोनों की संभावना समान है, इसलिए ये परिणाम संप्रायिक है। ओके, अब एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है? देखिए, जितने चांस लड़का होने के उतने चांस लड़की होने के हैं।
तो इसका भी सेम उसी तरह से आंसर लिखेंगे कि एक लड़का होगा, वह एक लड़की होगी, दोनों परिणामों की समान संभावना है। इसलिए दोनों परिणाम संप्रायिक है। ओके, तो देखिए यहां पर लिखने में आपने पहले तो क्वेश्चन में से ढूंढ के दोनों परिणाम लिखने हैं, फिर दोनों परिणामों की संभावना समान है या नहीं है वो लिखना है। संभावना नहीं है तो संप्रायिक नहीं है, संभावना समान है तो संप्रायिक है। बिल्कुल सिंपल, आप अपने आप लैंग्वेज यहाँ पर बना सकते हो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। अब देखिए कि फुटबॉल के मैच में जैसे दो टीमें होती हैं कि पहले कौन सी टीम बॉल लेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉइन उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं। यहाँ पर यह पूछा गया है कि सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो ये हमें पता है कि सिक्का जब उछालते हैं तो दो परिणाम आते हैं, चित या पट। ओके, कौन कौन से परिणाम आते हैं? चित या पट। तो चित और पट दोनों ही परिणाम क्या है? संप्रायिक है। चित आना या पट आना दोनों ही परिणामों के प्रकट होने की संभावना क्या है? समान है। इसलिए ये क्या माना जाता है? न्याय संगत विधि माना जाता है। तो हम यहां पर इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि सिक्का उछालने पर दो परिणाम चिताना चित या पट प्रकट होना या प्रकट होने की संभावना समान है, संभावना समान है। इसलिए या फिर दूसरे शब्दों में अर्थात दोनों ही परिणाम संप्रायिक है। इसलिए यह विधि न्यायसंगत मानी गई है, यह विधि न्यायसंगत मानी गई है। ओके, अब आगे प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब देखिए यहां पर 4 संख्याएं दे रखी है, इनमें से पूछता है कि इनमें से कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी आपको पता है कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, या 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। तो यहाँ देखिए 2/3, इसका अंश छोटा है और बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1 से छोटी या 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये तो हो सकती है। और इसका विचार हम बाद में करेंगे। 15% का मतलब था 15/100, परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 लगाते हैं, इसका मतलब ये भी 0 और 1 के बीच में है। 0.7 का मतलब 7/10 है, ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, लेकिन ये देखिए ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब -1.5 जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बी जो ऑप्शन जो इसका आंसर होगा। अब आगे 5th बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, यदि पीई
0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। अब देखिए पी ई आपको दिया हुआ 0.05, पी ई बार पूछा गया है आपसे, पी ई नहीं की प्रायिकता पूछी गई है, इसका सूत्र क्या होता है, 1 माइनस पी ई होता है, तो 1 माइनस 0.05 आप कर दीजिए। तो जब 1 में से 0.05 घटाओगे तो 0.95 जो हो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारे लेक्चर समाप्त होता है, अगले लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 6 से आगे लगभग 10 तक क्वेश्चन करेंगे।